फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस वेल्च पोएट लेस्ली नॉरिस की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ये पोएम काफ़ी छोटी है, केवल 20 लाइंस की है और इसकी 20 लाइंस को 5 क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में बांटा गया था। हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। अब अगर बात करें इस पोएम की, तो जैसा कि आप टाइटल से ही समझ सकते हैं, इस पोएम में एक टाइगर एक बाघ के बारे में बताया गया है जो कि जू में बंद है, और यहाँ पर उस टाइगर को कंपेयर किया गया है डिफरेंट सराउंडिंग्स में, यानी जब वो जू में एक पिंजरे में बंद है और जब वो एक फॉरेस्ट एक जंगल में आज़ाद घूमता है, तो कैसे डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं और वहाँ टाइगर का बिहेवियर कितना अलग होता है, इस बारे में भी पोएम में बताया गया है। पोएम की थीम में फ्रीडम और एनिमलिज्म शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें पोएट की, तो लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम था जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। उनका जन्म हुआ था 21 मई 1921 में और उनकी डेथ हुई थी 6 अप्रैल 2006 में। वो एक फेमस वेल्श पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और अपनी लाइफ टाइम में उन्हें कई अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें कैथरीन मैंसफील्ड मेमोरियल अवार्ड, AML अवार्ड फॉर पोएट्री, ये सभी शामिल हैं। अगर बात करें इनकी फेमस वर्क्स की, तो उसमें होली प्लेसेस, द गर्ल फ्रॉम कार्डिगन, फाइंडिंग गोल्ड, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहाँ ही का यूज टाइगर के लिए किया गया है। हमें टाइगर के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो टाइगर है वो एक केज यानी कि एक पिंजरे में बंद है, लेकिन उस पिंजरे में भी वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, यानी बिल्कुल अकड़ कर चल रहा है। एक तरह की अकड़ है, एक तरह का शान है उसमें, और साथ ही उसके ऊपर विविड स्ट्राइप्स हैं। स्ट्राइप्स यानी धारियाँ हैं। आपने टाइगर को देखा ही होगा, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, तो उस पिंजरे में भी उसकी वो स्ट्राइप्स जो हैं काफ़ी नज़र आ रही हैं, और वो उसी पिंजरे में कुछ कदम चल रहा है, वो भी बिल्कुल अकड़कर शान से। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और यहां पर ये जो पैड्स हैं, ये पैड्स कौन से हैं, तो उसके पांव पर जो उसके पॉज होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल लगता है मक्खन हो, बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट हो, तो जब वो उन पर चलता है तो किसी तरह की कोई आवाज नहीं होती। तो उसके चलने से भले आवाज ना हो, काफ़ी शांति हो, लेकिन फिर भी उस टाइगर में क्या है, रेज है, यानी गुस्सा भरा हुआ है। यानी कभी भी अगर एक टाइगर साइलेंटली चल रहा हो तो हम उसे नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि टाइगर एक बहुत ही खतरनाक शिकारी हो सकता है। तो यहाँ पोएट यही बता रहे हैं कि भले ही वो एक पिंजरे में कैद है, लेकिन वो अकड़ कर चलता है और गुस्से से भरा हुआ है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी उसे पिंजरे में नहीं होना चाहिए, उसे कहाँ होना चाहिए, शैडो में, यानी अंधेरे में छुपा हुआ होना चाहिए। लर्किंग का मतलब होता है छुपा हुआ रहना, यानी उसे परछाइयों के बीच अंधेरे में चलना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो जंगल में लंबी लंबी ऊंची घासें होती हैं उनसे उसे यूं फिसल कर निकलना चाहिए, यानी इतने धीरे से, इतने साइलेंटली आगे बढ़ना चाहिए कि लगे कि बस वो उससे स्लाइड कर रहा है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और ये सब कहाँ होगा, तो उस वाटर होल के पास, यानी पानी के सोर्स के पास, जहाँ पर क्या होते हैं, जो हिरन होते हैं वो आया करते हैं पानी पीने। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर लंबी लंबी घास उगेगी, तो ये जो टाइगर होगा उसे उसी घास में छुपे रहना चाहिए और उन हिरन का वेट करना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, और जो जंगल के किनारे पर छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर बने हुए रहते हैं, उन्हें देखकर उसे गुर्राना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब जंगल के करीब हैं, वो सब उसके शिकार के जो इलाके हैं उसके पास हैं, तो उसे देखकर उसे गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिंग द विलेज, और ऐसा उसे कैसे करना चाहिए, तो जो उसके फैंग्स होते हैं यानी आगे के जो बड़े बड़े उसके दांत होते हैं वो उसे लोगों को दिखाने चाहिए, अपने पंजे, अपने जो क्लॉज पंजे हैं वो उसे लोगों को दिखाने चाहिए, और ऐसा करके वो पूरे गांव को टेररिज कर सकता है, डरा सकता है। यानी ये जो टाइगर, ये जो अभी एक जू के केज में बंद है, वो इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ इस केज में बंद होकर क्या हो रहा है, उसकी जो सारी बदमाशी है, या जो कह सकते हैं वो लोगों को परेशान कर सकता है, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स।
लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि उसे एक सेल में, एक पिंजरे में बंद कर दिया जो कि कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ है, और उसमें क्या है, बार्स लगे हुए हैं, लोहे की जो छड़ रॉड होते हैं वो लगे हुए हैं। तो उसे तोड़कर बाहर निकलना ये उसके स्ट्रेंथ में नहीं है, उसके इतनी ताकत नहीं है कि वो लोहे की छड़ को तोड़ सके। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो क्या करता है, बेचारे के पास घूमने के लिए लंबी घास नहीं है, तो जितना बड़ा उसका केज, उसका पिंजरा है, सिर्फ उसी में वो अकड़ कर चलते रहता है, और जो भी लोग जू में उसे देखने आए होते हैं, सारे विजिटर्स को वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है, उन पर ध्यान नहीं देता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, और रात को वो एक आखिरी आवाज़ सुनता है जो कि किसकी होती हैं, उन गाड़ियों की जो रात को जू में पहरा देती हैं ताकि कोई आकर जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उसकी वो जो आँखें होती हैं जिसमें एक अलग ही तरह की चमक होती है, बहुत खूबसूरत होती हैं, उससे वो क्या करता है, आसमान की तरफ देखता है उन चमकते हुए उन बेशकीमती तारों को। और एक तरह से ये एक एग्जाम्पल हुआ कि वो वापस से बाहर निकलना चाहता है, उस फ्रीडम की तरफ वो देखता है जो उससे छीन ली गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी लेस्ली नॉरिस की पोयम अ टाइगर इन द जू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।